स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? ए रिदम केडिया और आकाश राज सहाय, बी आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी, सी वेद लाहोटी और जयवीर सिंह, डी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। आंसर, डी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया और मध्य प्रदेश के वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के आकाश राज सहाय, उत्तर प्रदेश की भव्या तिवारी और राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ए 35.2%, बी 48.5%, सी 52.1%, डी 60.7%। आंसर, बी 48.5%। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार है, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। भारत वैश्विक प्रेषण में दुनिया में सबसे आगे है और 2023 में उसे 115.3 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक JRIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आंसर, सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन क्विट की स्थापना की घोषणा की। ये राज्य के लिए एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। पटेल ने विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के लक्ष्य को साकार करने के लिए गुजरात 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोडमैप भी पेश किया। अगला प्रश्न, 2024 में महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी श्रीलंका। आंसर, डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दाम्बुला के रंगेरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 गेंद शेष रहते 8 विकेट से हराया। एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत ने इसे 7 बार और बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। अगला प्रश्न, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? ए 628, बी 650, सी 983, डी 985। आंसर, ए 628। एक्सप्लेनेशन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 5 साल में प्राकृतिक और अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मौत हुई। भारत में इस अवधि के दौरान बाघों द्वारा हमला किए जाने से कुल 349 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं इनमें अकेले महाराष्ट्र में 200 लोग मारे गए हैं। 2023 में बाघों की मौत की संख्या भी 2012 के बाद से सबसे अधिक है।